শোনো শোনো শোনো, এদিকে আসো টোকো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, শোনো আমরা ঘুরতে যাবো। হ্যাঁ এদিকে 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 টোকো টোকো, কাম কাম বাবা কাম, টোকো কাম। ইয়া क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोगों के साथ फैमिलियर हो जाए और बाहर भी हम लोगों को लेके जाना है, तो आज हम लोग उसको बाइक पे लेके जा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं करूंगी बाहर कहीं भी। बाबा एक तो दाड़ा, एक तो दाड़ा, ये देखो 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 ये देखो, सबाई देखछे तुम्हाके। तो हम लोग बाहर उसको, उसके साथ कोई भी शूट नहीं करेंगे, बाइक पे मैं इसको लेके जाऊंगी। तो डॉक्टर के पास वहाँ जाके मैं अगर कुछ शूट कर पाई तो शूट करूंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे उसको लेके एक टॉय शॉप में, तो उसके लिए बहुत सारा टॉय लेने के लिए। तो या आई होप यू एंजॉय दैट वीडियो, सो बी विद अस विद मी एंड टोगो। बारिश हो रहा है तो बाइक लेके हम लोग निकले थे, लेकिन फिर हम सोचे कि बारिश आ जाएगा तो टोगो पूरा भीग जाएगा, हम भी भीग जाएंगे। तो फाइनली वी आर गोइंग इन ओला, सो या लेट्स गो। शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट देख रहा है इधर उधर, गाड़ी में बहुत बाहर की तरफ देख रहा था। अभी अंदर बहुत सारा डॉग है और चुप करके मतलब देख रहा है कि कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको बाहर लेके आए हैं। देखो बाबा भय पे तुम्हें, ओ भाजा मास्टर उल्टे खेते पा रहे ना, देखिए बाड़ी जाए कत दुश्मन को तो जाएगा। घर में इतना परेशान करता है, कल रात को 1 बजे तक उसको डांट के मुझे सुलाना पड़ा। 1 बजे तक इधर उधर घूम रहा है, इसको मतलब उसको वो कुछ भी लेता है, अगर आप उससे ले लोगे वो क्या करता है, फिर दूसरा चीज़ को पकड़ता है, उसको ले लोगे दूसरा चीज़ को पकड़ेगा। कल रात 1 बजे तक ऐसा किया। उसका नींद पूरा हो गया तो हम लोग घर जा रहे हैं, एंड डॉक्टर के वहाँ पे हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए, उसके लिए छोटा सा एक रोग टाइप का हम लोग ने लिया है, एंड घर जाके मैं दिखाती हूँ क्या क्या दवाई लिया है। अच्छा बिहेव किया है वहाँ।
वहाँ पे जाके एकदम मतलब सब बोले कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि वो कुछ भी मतलब सारे डॉग्स इधर उधर भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन टोगो एकदम अच्छा बच्चा की जैसा Now he is still sleeping, मतलब स्लीपिंग मोड में है। वहाँ पे जाके भी एकदम बदमाशी नहीं किया, एकदम अच्छे से अनिर्बाण के लैप पे बैठा हुआ था। बहुत अच्छा बच्चा है तुमको, है ना? घर में आके उसका धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। हम घर चले बोलते बच्चे ओके उसका जो दवाई हम लोग लाए हैं, जो जो गेम उसका लाए हैं, तो वो सब मैं घर जाके दिखाती हूँ। सो हम लोग पहले उसको वो ह्यूमन का था, तो डॉक्टर ने बोला है कि डॉग के लिए पूरा ही अलग होता है, ह्यूमन वाला नहीं दे सकते आप। तो दिस इज द न्यू वन, मैं सामने से दिखा दूंगी इसका पिक्चर। तो ये वाला हम लोग लाए हैं, इसको उसको देना पड़ेगा खाने से पहले दो टाइम। तो आप अगर डॉग ले रहे हो तो पहले से आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इसको खाना खाने से पहले बाबू काम जाओ 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 माँ का चाहिए माँ खुद खा जाओ। तो हम लोग पहले जैसे डॉक्टर के पास अनिर्बाण बोल रहा था कि वो सिर्फ एक ही टाइप का खाना खा रहा है, जैसे रॉयल कैनिन मैक्सिस, तो वो रॉयल कैनिन खा रहा था। तो अनिर्बाण बोल रहा था कि दूसरा कुछ हम लोग खिला सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो पपी फूड है दिस इज कम्प्लीटली ऑल न्यूट्रिशन, उसमें अच्छे से है, कोई भी प्रोटीन बोल सकते हैं आप उसको। दिखो देखो कैसे कर रहा है, घर में आके वहाँ पे जाके ऐसे चुप करके बैठा हुआ था, तो काम वहाँ पे जाके ऐसे चुप करके बैठा हुआ था, सब बोला बाप रे बाप ये कितना अच्छा डॉग है, कुछ भी नहीं करता है। तो इसको घर आके उसको मतलब मसा ही उसका स्टार्ट हो गया। तो जैसे अनिर्बाण डॉक्टर को पूछा कि हम लोग कुछ दूसरा उसको खिला सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, एटलीस्ट 3 मंथ तक वो कुछ भी बाहर का नहीं खाएगा, उसका जो भी डॉग फूड है उस पर प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, और उसको ही आप ऐसे उसका जो वेट है उसका वेट भी हम लोग किए थे, तो वो हुआ था 2 kg 750 ऐसा, तो उसके हिसाब से 20 ग्राम करके दिन में। बाबू बाबू काम बाबा। A few moments later ये उसका लाया है गेम, दिस इज नॉन एडिबल, हम लोग पूछ लिए थे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका वैक्सीन भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। तो वो काम बेटा, तो नेक्स्ट वीक से उसका वैक्सीन स्टार्ट होगा सैटरडे से। वो साइंटिस्ट को दिलो बेटा होता ना, तो ना, तो दिस इज द नॉन एडिबल प्रोडक्ट जो उसके लिए हम लोग लाए हैं, पता नहीं उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। बाबू पापा 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 ओ देखो देखो तुम्हारे जन्य नूतन, तुम्हारे जन्य देखो नूतन ये इससे আমার দেখো তোমার নতুন খেলনা দেবো দেখো নতুন খেলনা এসেছে তো वो उसको चुई करेगा ना, तो वो पेट में भी नहीं जाएगा, उसका दांत जो छोटा छोटा आ रहा है वो भी स्ट्रांग होगा, और उसका दांत का बहुत शार्पनेस है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे करता है ना, वो मतलब खेलने के लिए करता है लेकिन वो ऐसे मतलब बैठ जाता है, तो उसका जो दांत है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। उसको गम में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि उसका छोटा छोटा दांत से छोटे बच्चे भी होते हैं मतलब इंसान के बच्चे, वो भी थोड़ा सा काटता है, तो ये डॉग है ये थोड़ा सा ज़्यादा काटता है, क्योंकि वो मुंह से ही सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो इसके लिए ये वाला हम लोग लाए हैं, दिस मैंने टोटली नॉन एडिबल और अच्छा क्वालिटी का भी है। नाउ दिस इज समथिंग जो जैसे हम लोग ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसका जो हेयर के लिए अभी वो जितना ऑलमोस्ट 3 या 4 मंथ तक हम उसको नहीं नहलाएंगे, उसका पूरा जितना भी वैक्सीन है हर एक नाम मेरे को नहीं याद है, तो मैं नीचे दे दूँगी।
तो उसका पूरा वैक्सीन जब तक नहीं होता है तब तक पानी उसको नहीं लगाना है। तो फर्स्ट हम लोग एक बार उसको लाने के बाद, क्योंकि उसको स्मेल हो जाता है ना बॉडी में, तो सैवलॉन के साथ उसको थोड़ा सा हम लोग स्पंज किए थे, बट नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। तो जनरली एक क्या होता है ना, एक पप्पी को आप साल में आपको 5 वैक्सीन देना पड़ता है। तो बिफोर कोरोना इट वाज समथिंग लाइक 4 वैक्सीन, आपको एक साल में आपको 4 वैक्सीन देना पड़ता है। अभी कोरोना के लिए एक और भी वैक्सीन ज़्यादा हो गया, वो कोरोना के लिए ही है, और उसके बाद आपको साल में 3 वैक्सीन देना पड़ता है। तो जनरली जो मतलब आपका जो पप्पी जब आपका एकदम बच्चा है, नया है, तो आप उसको नहा नहीं पाओगे, उसको पानी से आप वॉश नहीं कर पाओगे। तो आप वो चौथा जो वैक्सीन लगता है वो आपका ऑलमोस्ट 5th महीने में लगेगा, चौथा वाला जो वैक्सीन, उसके बाद आप उसको पप्पी को आप आराम से नहला सकते हो। तो आप जब तक उसको नहलाओगे नहीं, तो उसका क्या होता है ना, उसका मतलब शरीर से आपका थोड़ा सा स्मेल आता है, और उसका मतलब जो ये जो क्वालिटी रहता है, जो फाड़ का जो क्वालिटी रहता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ख़राब ना हो जाए और उसका स्मेल भी नहीं आ जाए, तो इसके लिए ये वाला ब्लिंग ऑन द शाइन बोल के एक डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 2 दिन के बाद इसको आप पप्पी में स्प्रे करोगे, पप्पी के फर में आप स्प्रे करोगे। स्प्रे करने के बाद जस्ट टॉवल से जस्ट ये कर देना है, साफ कर देना, वाइप कर देना है, दैट्स इट। उसका जो भी है वो गंदा भी नहीं होगा, उसको स्मेल भी नहीं आएगा। नाउ दिस इज फॉर डाइजेशन, ये भी दिन में उसको 2 बार देना है, जब वो खाना खा लेगा उसके बाद 1 ml करके। एंड सो दिस इज अ विटामिन, एंड इसको उसको खाने के साथ मिला के हमें देना है। और नाउ दिस आर ऑल सम दिस आर द दवाई जो यू नो SOS के लिए, मतलब कभी भी उसको थोड़ा सा बुखार आ जाता है या फिर उसका पेट खराब हो जाता है, तो सडनली ये थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशंस के जैसे लिया हुआ है। तो कभी भी हम लोगों को लगे कि उसको बुखार आ गया या फिर उसका पॉटी हो रहा है या फिर उसको यू नो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ये सब उसके लिए है। फिर भी डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर का नाम मैं दे दूँगी, उनका सॉल्ट लेक पे है। एंड जो तो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला है किसी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लेके चलो। तो जैसे हम लोग बाहर बैठे थे ना, तो हम लोगों ने बोला कि वो 44 डेज का है, तो सब ने बोला कि वो बहुत छोटा लग रहा है, उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुआ है, यू नो। तो हम जब डॉक्टर के पास गए, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर बोला नहीं, हेल्दी बेबी है, अच्छा है, कुछ इश्यूज नहीं है। तो यार दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल मीट सून। देखिए कितना कर रहा है। तो वी विल मीट सून विथ माई नेक्स्ट ब्लॉग। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू थिंक दैट वीडियो इज लिटिल हेल्पफुल, देन प्लीज डोंट लेट अस नो। एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब अस येट, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, वी विल मीट सून। टोगो कम बेटा, ওষুধ খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। টোগো আসো 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 টোগো আসো। ওদিকে তুমি পেছনে চলো, ওদিকে চলে যাও, ও আসবে দৌড়ে দৌড়ে, সেটা তুমি ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিকে। টোগো কাম 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 কাম, আমার ছোট বাচ্চা।